हेलो व्यूअर्स, मैं पंकज भारती डीएनए एकेडमी भिलाई आपका स्वागत करता है। आज हम मुलाकात करेंगे अविनाश राजपूत जी से, जिन्होंने सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ 73 रैंक के साथ क्वालिफाइड किया है। कांग्रेचुलेशन अविनाश। थैंक यू पंकज। हमें आप बताएंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में, ये होता क्या है? देखिए, सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है सीएसआईआर और यूजीसी के साथ कंबाइंड होकर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो एग्जाम है साल में दो बार दिसंबर और जून में कंडक्ट किया जाता है। इसके जो पैटर्न होते हैं सर कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। ए सेक्शन में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन हैं, जो जैसे कि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको लॉजिकल रीजनिंग, फिगर रीडिंग, ये सब चीजें उसमें होती हैं। बी सेक्शन बेसिकली रहते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछ दिया उसका डायरेक्ट एक आंसर रहेगा। सी सेक्शन होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन के लेंथ ज्यादा रहेंगे और जो आंसर रहेंगे उसमें आपको लॉजिक यूज करके दो चार टॉपिक्स का लॉजिक यूज करके उसमें आंसर देना है। और क्वेश्चन की बात करें तो जो ए सेक्शन होता है उसमें पूरे 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 15 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। और बी सेक्शन की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हम 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी सेक्शन में होते हैं टोटल 75 क्वेश्चन, जिसमें से हमें मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं। तो टोटल ये जो बनता है 200 नंबर्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही एग्जाम्स को लेकर? देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी हमें मैंने इसका बेस बनाया प्रीवियस जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो जनरली मैंने एक पैटर्न देखा कि जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ है 55-60 जाता ही है फॉर जेआरएफ, है ना। जेआरएफ के बेस पे हमें स्कॉलरशिप मिलता है जैसे कि आप जानते हैं, तो उसके लिए मैंने अपना कट ऑफ डिसाइड किया कि मुझे मिनिमम 55-60% तो मुझे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ए सेक्शन में टारगेट किया मिनिमम मैं 10 से 12 नंबर अक्वायर कर सकूं। बी सेक्शन में मैंने कोशिश किया कि कम से कम 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, 35 अटेम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन में निकाल सकूं जो कंफर्म हो। हाँ, जो कंफर्म हो ज्यादातर मैं राइट करूं। और जो सी सेक्शन है सर, मेरा वो कहना चाहिए प्लस पॉइंट था मेरा सी सेक्शन, मैंने शुरू से ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है। तो सी सेक्शन में मैं 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए हैं, और इसके लिए जैसे कि ए सेक्शन की बात करें उसके लिए मैंने पूरे एक पैटर्न देखा कि भाई हर साल दो तीन जो है एक फिगर रीडिंग के क्वेश्चन आते हैं और दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज के लिए हमें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट बनते हैं। और रही बात कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको हमें तैयारी करनी पड़ती है, जिसे मैंने यूट्यूब या फिर छोटे ऐसे कोई बुक से पढ़ाई की थी। और रही बात बी सेक्शन की, हाँ, बी सेक्शन में मेहनत बहुत जरूरत होती है। मैं इस चीज के लिए कहना चाहिए भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से हुई है, तो हमें वो हर एक टॉपिक जो है रिसर्च पेपर से रेफरेंस बुक से हमें पढ़ाया जाता था, जिससे कि चीजें जो है बहुत इजीली हमें मतलब समझ आ जाती थी। तो हर एक बी सेक्शन में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली हमें वहां पे मेमोरी यूज करने पड़ते हैं, तो जो फिगर्स एंड टेबल्स होते हैं उसको मैंने कोशिश की कि मेमोराइज कर सकूं, बार बार उसे रिपीट कर सकूं। और रही बात सी सेक्शन के लिए हमें पूरे प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने जहां तक मुझे याद है कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक बार कंप्लीट तो किया ही है, और साथ में जो जितने भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट मिल पाते थे इधर उधर से, तो मैंने कम से कम 2 बार कहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की फील्ड का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, तो आपका मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा है इस एग्जाम में? पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से मुझे बहुत अच्छे टीचर्स और सीनियर्स के साथ रहने का, कांटेक्ट में आने का मौका मिला, तो मेरे टीचर्स जो थे और सीनियर्स उन्होंने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया कि होता क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसको क्वालिफाई करना चाहिए। तो मैं कहूंगा मोटिवेशन का श्रेय मेरे सीनियर्स और मेरे टीचर्स को मैं देना चाहूंगा। अगर गाइडलाइन की बात करें तो आप गाइडलाइन के लिए आप क्या करते हैं?
गाइडलाइंस तो बेसिकली मुझे टीचर्स ने ही किया कि भाई कि हर एक टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका होता है ताकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, तो इसमें टीचर्स ने बहुत हेल्प की मुझे और मेरे सीनियर जो है मैं टाइम टू टाइम उनसे गाइडलाइंस लेता रहता हूँ। इवन अभी भी जैसे जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनसे मैं अभी पर्सनल कॉन्टेक्ट में जब से आया हूँ तब से मैं बना हुआ, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिलती रहती है। आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जैसे कि आपने बताया सीएसआईआर नेट जेआरएफ करने के बाद आपको आपको एलएस और जेआरएफ दोनों प्रोवाइड किया जाता है, तो आप कौन सा चूज करना चाहेंगे, किसमें आपके इंटरेस्ट है? मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि मैं रिसर्च में कुछ रिसर्च में जाऊं, और इनिशियल स्टेज तो रिसर्च के लिए पीएचडी ज्वाइन करना है, तो मैं अभी पीएचडी ज्वाइन करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। जैसे हमारे सीएसआईआर नेट एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे वीवर्स हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि सीएसआईआर नेट मतलब पीएचडी, तो क्या पीएचडी एक ओनली ऑप्शन है आप नेट क्वालिफाइड करते हैं कि हम सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड करने के अलावा कहीं और फ्यूचर बना सकते हैं? जेआरएफ या एलएस क्वालिफाई करने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन रेडी हो जाते हैं, जैसे कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, और आपको कुछ लाइफ साइंसेस की जो कंपनीज होती हैं वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत प्रिफरेंस दिया जाता है इस एग्जाम के बेस पे। अविनाश सर, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है हम बीएससी या एमएससी लाइफ साइंस करते हैं उसके बाद? देखिए बीएससी के बाद तो हमारे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहती हैं, जैसे कि कुछ लाइफ साइंसेस जॉब होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ उससे कम ही है। और उसके बाद जैसे हम एमएससी करते हैं लाइफ साइंसेस है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम एमएससी करते हैं, तो हमारे पास एक ब्रॉड एरिया रहता है कि हम जिसमें हम अपना करियर फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो उसमें से बात करना चाहूँगा रिसर्च के बारे में, हम अपना करियर बना सकते हैं रिसर्च फील्ड को लेके, एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं और जो लाइफ साइंसेस कंपनी के जॉब हैं उसमें कर सकते हैं। तो भाई रिसर्च करने के लिए भाई आपको एक पीएचडी तो करना रहता है, पीएचडी करना जरूरी है आपको रिसर्च में जा रहे हैं, या फिर आप उसके लिए इसके लिए आपको बहुत से एग्जाम्स होते हैं, सीएसआईआर लाइफ साइंस सीएसआईआर नेट ही नहीं है, डीबीटी हो गया, गेट हो गया, और ये सब एग्जाम्स लेते रहते हैं, तो उसके बेस पे आप रिसर्च में एंट्री कर सकते हैं। फिर एकेडमिक की बात करें तो आपको एलएस क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको एक प्रेफरेंस मिला दिया जाता है ताकि आप टीचिंग कर सकें। और जॉब्स की है तो एमएससी के बाद बीसीआईएल ट्रेनिंग्स हैं, और भी ट्रेनिंग्स अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा पंकज कि हम इस टॉपिक को लेके एक अलग से वीडियो बनाए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें डिटेल्स में उसमें नॉलेज ले सकें। थैंक यू अविनाश, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए नेट एस्पायरेंट जिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं नेट की, उनसे मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जितने भी तैयारी हैं हार्ड से हार्ड वर्क करें, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है उसको करने का, तो आप हार्ड वर्क करें तो एक सही डायरेक्शन में करें, और ये डायरेक्शन आपको आपके पीयर्स दे सकते हैं, आपके टीचर्स दे सकते हैं, तो जब भी हार्ड वर्क करें तो एक सही गाइडेंस के लिए, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है और हम सही मेहनत कर पाते हैं। तो यही मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि हर एक टॉपिक को एक गाइडलाइंस के थ्रू किसी से एडवाइस लेके बिल्कुल करें, क्योंकि उन्होंने वो स्टेप देखा है कि कहाँ पे गलतियां होती हैं, और वो गलतियां आप न दोहराएं जिससे कि आपका समय वेस्ट हो। थैंक यू। तो ये थे जेआरएफ क्वालिफाइड अविनाश राजपूत, जिन्होंने अपना स्ट्रेटजी शेयर किया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।